और माँ सही नहीं हुई, कोई बात हो गई तो मैं इसमें ताला लगवा दूंगी पूरे अस्पताल में। नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा, इंडिया रिपब्लिक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस समय मौजूद हैं हम लक्ष्मी लाइफलाइन में, जो पागल बाबा के समीप एक हॉस्पिटल है। वहाँ एक मरीज का इलाज किया जाता है 20 तारीख को, मतलब 20 तारीख को ऑपरेशन किया जाता है और डॉक्टर साहब के द्वारा आश्वस्त किया जाता है कि मरीज का हम सही से इलाज करके उसे घर भेजेंगे। पूरा वाक्य जो है वो हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस समय जब हम मौजूद हैं, क्योंकि जब यहाँ हंगामा होने लगा, जब मरीज की हालत बिगड़ने लगी तो परिजन को तत्काल रेफर करने के लिए बोला गया, क्योंकि 2 दिन पहले से डॉक्टर को अंदेशा कि मामला बिगड़ गया है और उन्होंने आज जाके उस मामले को गंभीरता से लेके उसको ट्रांसफ़र किया। और जो मरीज परिजन यहाँ बैठे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, उनको भी बोला है कि मैं 25,000 रुपये जो है इसका मैं दूंगा इलाज के लिए। तो 25,000 खर्चा अस्पताल के तरफ से मरीज को दिया जा रहा है, क्या है गोविंदा जी इस पूरा मामला? मामला ये है सर, अभी मुझको मालूम हुई थी, मैं अभी घर से आया कि उसकी कंडीशन बिगड़ गई, तो मैंने पूछा क्या बात है भाई, 18 तारीख को एडमिट किए और 20 तारीख को ऑपरेशन हुआ है, और इस तरीके से जो है जब इसकी कंडीशन बिगड़ गई है तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि एम्बुलेंस दे दूँगा, 15,000 रुपये खर्चा दे दूँगा। तो भैया क्यों दे रहे हो, जब तुमने पूरी जिम्मेदारी इनको जब ठीक करने के लिए है तो 15,000 गाड़ी क्यों दे रहे हो? अभी मेरा मरीज मर जाए, हमारा तो बच्चा गया, अब इन्हें तो पैसा कमा लिया अपना कर लिया। इस तरीके पहले इन्हें हमारा बाप भी मार लिया। कितने रुपए का खर्चा हुआ लगभग? लगभग इसमें कम से कम 80-90 हज़ार रुपये लग गया, और बाकी की हमारी माँ बेचारी परेशान अंधी धुंधी यहाँ पड़ी हुई है। हम तो काम धंधे वाले प्राइवेट आदमी हैं। अभी मैंने बात की है तो मेरे सामने डॉक्टर साहब ने यही किया है कि आपको जो है एम्बुलेंस दे देंगे और 15,000 रुपये माँ तक का खर्चा दे देंगे। बाकी की बात मेरी माँ से हुई है, ये क्या क्या है ये बता देंगे। हाँ बेटा, मुझसे दी कही क्या ठीक करके भेजूँगा, तेरी छोरी है, ऑपरेशन हुआ तब इनकी कर दो। बाकी 3 दिन बाद इसको पेट फूल गो लड़की को, मतलब ऑपरेशन के बाद। हाँ, फिर मैंने फ़ोन करो इनके पास तो कोई नहीं आयो। इनको जो एक चुटिया बारो बस को नाम ना जानू, वो अर्रा के पड़े मरीज से, मेरी छोरी से वो अर्रा के पड़े, मुझसे भी अर्रा पड़े। यारे धोरे रहा अर्रा के। लड़की की उम्र है होगी करीब करीब 25-28 के, शादी हो गई, एक लड़की है एक बेटी है, उनपे 28 साल की है, समझे। जब बड़ा ऑपरेशन था, इतना खतरे का ऑपरेशन था, तो डॉक्टर का क्या फर्ज बनता है कि जिनके घर में कौन बेटा है बड़ा, कोई बेटे को बुलाया जाए? तो डॉक्टर ने किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ डोकरी को देख रखा है कि क्योंकि ये डोकरी पैसे वाली है, तो इस तरीके से जेट भी बढ़ती है, पाते हैं ऑपरेशन कर देते हैं, पैसे बार बार पैसे की कहते हैं कि इतने पैसे जमा करो, और बात बात पर पैसे मांगते हैं और कोई जिम्मेदारी नहीं ले पाते, क्यों नहीं जेट के, और आए दिन खून की बोतल चढ़ाते हैं। किस वजह पे खून की बोतल चढ़ाते हैं? इतनी जल्दी तो किसी आदमी में खून कम नहीं होता है, तो हमें भी तो बताओ क्या कम हो जाता है खून, बार बार बोतल चढ़ाते हैं, और एक बोतल क्या 1,000 की आती है, 4,000 की आती है, हैं क्यों? इलाज में कितने पैसे लग गए? अब जिन्हें पता है कभी बताने का मौका ही नहीं देते बेटों को, कभी बताने का। कितने पैसे लगे अम्मा? 80,000 हर बार बुलाते हैं। ये लड़का भर्ती जाती। आपको क्या हुआ जी? मेरे खून की थोड़ी सी कमी हो गई थी, सूजन उल्टी आ गई थी, इस वजह से 4 बोतल खून की चढ़ी। ये भी मेरा भाई है छोटा, ऑपरेशन से पहले ये भी भर्ती था, अब भी ये भी भर्ती है, देखो ये कंडीशन कर रखी है, सही करते नहीं है, पैसा है लेते हैं। अच्छा वो लड़की भी एडमिट है, जो मेरा छोटा भाई भी एडमिट है यहाँ पर, और दुनिया भर का पैसा ऐंठते हैं और मरीज सही नहीं करते। मामला जो है गंभीर है, क्योंकि जो लड़की है उसकी उम्र जो बताई जा रही है वो 25-26 साल की बताई जा रही है, आंतें जो है अंदर से गल चुकी हैं, और ये जब आरोप लगा रहे हैं ये लोग लापरवाही का डॉक्टर के ऊपर कि अगर ऐसा कोई गंभीर मामला था तो उसमें आपको ऑपरेट नहीं करना था, आज आप जिस तरह रेफ़र कर रहे हैं बड़े अस्पताल में, आपने उस समय क्यों नहीं किया? क्योंकि उस समय जो है डॉक्टर जो है हमेशा भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन इस तरह के कृत्य से उनकी छवि भी खराब होती है। इस समय जो परिजन हैं उनका रो रो के बुरा हाल हो रखा है, क्योंकि जवान बेटी का दुख एक माँ ही समझ सकती है, तो इन लोगों का रो रो के बुरा हाल है। अभी बोला कि रेफर किया जाए कि पहले बोला था? अभी करा है, जब ज्यादा कंडीशन बिगड़ गई है जब बोला है। जब क्या कंडीशन है महिला की? बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है, बता नहीं सकते, ये रास्ता कोई बात हो जाती है तो कौन जिम्मेदार है? अब मैं तो जब तक पैसे नहीं भरन दूंगी, जब तक ये माँ सही नहीं हो जाती है, और माँ सही नहीं हुई कोई बात हो गई तो मैं इसमें ताला लगवा दूंगी पूरे अस्पताल में, ये मैं कहती हूँ। और जहाँ के जो चुटिया वाला है ना, जिनकी जिम्मेदारी है और जिन कंपाउंडर है, वो चुटिया वाला कौन है? जो है मैं जिस बात की कहती हूँ, जब जब आते हैं ये बहुत बार दिखाते हैं।
नीमा मेरा नाम। क्या परेशानी आपको? मेरी हाथ में परेशानी हो गई तो मैं ऑपरेशन करवाने के नाते यहाँ पे आ गई। लेकिन लोगों ने कही कि ऑपरेशन हो जाएगा तो सही हो जाएगी, लोगों ने दिलासा दिया तो मैं सही नहीं हो पाई। दूसरा पट्टी करने आया था तो मेरी नस फट गई पेट की। कितने दिन हो गए ऑपरेशन कर? 14 दिन हो गए। आज ऑपरेशन करे हुए। 18 तारीख को यहाँ पेट में दर्द और फूला हुआ पेट लेके भर्ती हुई। उसका अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड में हाथों में रुकावट और हाथ चुपकी हुई ही आया, तो उसके लिए ऑपरेशन किया 20 तारीख को। पेट खोलने का बताया तो हाथों में रुकावट की होती, रुकावट का करना पड़ता है ना, पेट फूलता जाएगा नहीं तो कुछ होगा नहीं। तो जब पेट खोला था उसमें हाथें गली हुई थी और चुपकी हुई थी एक तरफ, तो हाथ गली हुई हाथ को काट के निकाल दिया, चुपकी हुई थी उनको हटा दिया वहाँ से। फिर रोज उसके बाद एक दो दिन छोड़ के पट्टी होती रही। 20 तारीख को ऑपरेशन हुआ है और 29 तारीख तक जितनी पट्टियाँ हुई उनमें सब पट्टी सही निकलती रही। साथ में ये हैं जो पूछ सकते हैं आप आराम से इनके घर वालों से। अब उसको जब 30 तारीख को पट्टी करी तो उसमें से अंदर से टट्टी निकली, फिर तो अंदर कहीं जो वो फिर दोबारा से फूट गई होगी। डिजीज नहीं है, डिजीज तो मैंने बताता था, डिजीज यही होती है इसमें, हाथों में रुकावट हो जाती है। वो अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ है, अल्ट्रासाउंड जो लिखा होता वही तो मानेंगे ना, अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ है वो साफ साफ। तो आपने जो ऑपरेशन किया आपने वो तो बता दो कि हाँ तक गली हुई थी उन्होंने काट के निकाल दिया, काट के निकाल दिया दिखा दी। फिर जो रेस्ट है उसमें भी वो कुछ पार्ट रह गया होगा? नहीं रह नहीं गया, वो तो सब देख के निकालते हैं। अच्छा साफ 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 पार्ट जो काटते हैं और साफ साफ पार्टों को जोड़ते हैं साफ साफ पार्टों। अब 8-9 दिन 10 दिन तक मतलब 29 तारीख तक सही रही है ये। 30 की पट्टी में जो भी कुछ निकला 30 की पट्टी में निकला, तो उससे फिर ये मालूम पड़ा कि अब तो यहाँ कुछ हो नहीं सकता। इसका पूछा भी मैंने मथुरा में अपने जो सीनियर है उनसे पूछा, उन्होंने कहा बेटा नरेश शर्मा यार ये तो नहीं तो चैसे में जयपुर भेजना पड़ेगा। मरीज को रेफर किया गया है बड़े अस्पताल के लिए जहाँ इनका बेहतर इलाज हो सके, और आगे ये देखना होगा कि अभी मरीज की जो हालत बताई जा रही है वो सीरियस है। ऐसी उन तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया रिपब्लिक के साथ। मैं अपने सहयोगी मनीष सैनी के साथ आशुतोष शर्मा वृंदावन से।